अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फाइबर के लेवल सिस्टम के अबाउट। लेवल सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से फाइबर लेवल सिस्टम काम करता है और होता क्या है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास डिफरेंट गिग नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, राइट, और इसके साथ लिखा हुआ है लेवल टू सेलर। अगर मैं इसको ओपन करूँ, सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ टॉप रेटेड सेलर लिखा हुआ है और इसके साथ लेवल वन सेलर लिखा हुआ है। मैंने इन तीनों को ओपन कर लिया और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी अगर मैं प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें लेवल टू का बैच लगा हुआ है। यहाँ पे अगेन मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें टॉप रेटेड सेलर का बैच लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास लेवल वन का बैज लगा हुआ है। तो सिंपल, हमारे पास यहाँ पे चार तरह के लेवल्स होते हैं। सबसे पहले न्यू सेलर, जिसके पास कोई बैज नहीं होता और वो सिंपल न्यू सेलर होता है, राइट। वो क्या क्या कर सकता है आगे वीडियो में बात करेंगे। सिंपली दूसरा लेवल होता है वो लेवल वन सेलर होता है। इसके बाद आता है लेवल टू सेलर और सबसे एंड के अंदर जो सबसे टॉप वाला बंदा होता है वो टॉप रेटेड सेलर होता है, राइट। अब आप किस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि आप कब लेवल टू बनेंगे, लेवल वन बनेंगे, तो सिंपल आप यहाँ पे आके देख सकते हैं एनालिटिक्स के अंदर, ओवरव्यू के अंदर। और यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, अचीव गोल्स टू बिकम अ लेवल वन। अब मैं एक न्यू सेलर हूँ, हमने ये आईडी न्यू बनाई थी, तो यहाँ पे अभी हमने ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, राइट। हमारा रिस्पांस रेट अच्छा होना चाहिए, ऑर्डर कंप्लीशन रेट अच्छा होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। रेटिंग जो है वो मिनिमम मेंटेन 4.7 से नीचे ना होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से 60 दिन तक, मतलब 60 दिन पुरानी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए मिनिमम। ऑर्डर आपने मिनिमम 10 कंप्लीट किए होने चाहिए और मिनिमम $400 अर्न किए हों आपने, और आपको फाइवर की तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन की कोई भी वार्निंग ना आई हो तो आप लेवल वन बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के अंदर आके देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें कम्प्लीट हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रहती हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है और उनको उस तरह से कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम इस यूआरएल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक यूआरएल है fiverr.com/levels। यहाँ पे आपको तमाम लेवल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। लेट्स से आप न्यू सेलर हैं, न्यू सेलर क्या कर सकता है, न्यू सेलर 7 gig क्रिएट कर सकता है, राइट, और 2 gig एक्स्ट्रा डाल सकता है, क्रिएट कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकता है $20,000 की, ठीक है। विड्रॉ 14 दिन के अंदर आपकी अर्निंग आपके अकाउंट के अंदर आएगी आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर, राइट। इसी तरह से हमारे पास लेवल वन है। लेवल वन बनने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, राइट, कि $400 रन किए हों और 4.7 मिनिमम रेटिंग हो, डिलीवर टाइम 90% और ये सारी चीज़ें। और जब लेवल वन बन जाएंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको ये होंगे कि अब आप 7 की बजाय 10 gig क्रिएट कर सकेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। इसी तरह जब आप लेवल टू बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए, करनी होंगी, मिनिमम 50 जो है ऑर्डर्स वो आपने कंप्लीट किए हों, 120 दिन की पुरानी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए और मिनिमम $2,000 आपने कमाए हों। और यहाँ पे हमारे पास है सिंपल डिफरेंट ये डिलीवरी टाइम और ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने मेंटेन करनी है। जब आप लेवल टू बन जाते हैं तो आपको ये वाले बेनिफिट मिलते हैं। अब आप 10 की बजाय लेवल वन में आप 10 लेवल न्यू लेवल सॉरी न्यू सेलर एज अ न्यू सेलर आप 7 gig क्रिएट कर सकते हैं, लेवल वन के ऊपर आप 10 gig क्रिएट कर सकते हैं और लेवल टू के ऊपर आप मिनिमम 20 gigs जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपके पास जो है प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगी इसके अंदर और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। और जब आप बन जाते हैं टॉप रेटेड सेलर, टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको आपने $20,000 ऑलमोस्ट अर्न किए हों उस प्रोफाइल्स के से, 180 दिन आपकी जो प्रोफाइल है वो पुरानी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन रखनी है। और उसके बाद जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 30 gigs अपनी प्रोफाइल के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऐड एक्स्ट्राज पर गिग, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट कस्टम ऑफर, $20,000 तक आप कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, प्रायोरिटी सपोर्ट मिलती है।
और यहाँ पे जो मेजर बेनिफिट है, बाकी सारे लेवल्स में आप 14 दिन के अंदर अर्निंग जो है वो विड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप 7 दिन के अंदर ही, जब आप टॉप रेटेड सेलर होते हैं 7 दिन के अंदर ही आप अपने अर्निंग्स वापस विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की जो भी आपने कम्प्लीट किया। तो ये था फाइवर का लेवल सिस्टम। अब लेवल सिस्टम फाइवर ने एक बायर और सेलर के दरमियान एक ट्रस्ट पैदा करने के लिए बनाया है। लेट्स से आप एक सेलर हैं और आप लेवल 2 सेलर हैं, तो जो बायर आपके पास आएगा इसका मतलब ये है वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं करेगा। वो ये देख सकता है कि आपके पास लेवल 2 का बैज है, लेवल 1 का बैज है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा ऑथेंटिक है और ये अच्छा काम कर रहा है। अगर इसने अच्छा काम किया है तभी तो इसको लेवल 1 का बैज मिला फाइवर की तरफ से। तो ये एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट कर दी है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी को मजीद बढ़ाती है और बायर का ट्रस्ट आपके ऊपर मजीद ज़्यादा अच्छा होता है, और इससे आपकी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप लेवल 1 बनते हो, लेवल 2 बनते हो या टॉप रेटेड सेलर बनते हो। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपके डैशबोर्ड के अंदर ही मिल जाते हैं आपको। लेट्स सपोज लेवल 1 या लेवल 2 पे जब आप बनते हैं तो आप अपने गिग की ऐड चला सकते हैं फाइवर के ऊपर ही। इसी तरह से और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। आई होप आपको समझ आई होगी कि लेवल सिस्टम किस तरह से काम करता है और लेवल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है और आपको क्या करना पड़ेगा लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए, लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए या टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, आई होप आपको समझ आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। सी यू In the next lecture, till then keep learning, keep exploring. Allah Hafiz.